जो हमें थोड़ा सा डिफरेंट मुख्तलिफ दिया गया है। हमें इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करना पड़ेगा ताकि ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन सके। आपको ये नज़र आ रहा होगा कि इस ब्रैकेट से बाहर हमें एक्स मिला है, तो हम पहले जो एक्स ब्रैकेट के बाहर है उससे इनसाइड के ब्रैकेट को ओपन करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 3x के साथ और फिर उसके बाद हम एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्स जब एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आंसर 3x स्क्वायर आ गया, और फिर एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई होके हमारे पास माइनस एक्स आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमने एक्स के ज़रिए इस ब्रैकेट को ओपन किया और फिर हम नेक्स्ट स्टेप में हमें इक्वेशन के उस साइड जो 2 मिला है उसे हम दूसरी जानिब मूव करेंगे ताकि हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हासिल कर सकें। जब हम इसे नेक्स्ट स्टेप में मूव करेंगे तो हमें 3x² माइनस एक्स। और डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1A का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है 4x² माइनस 5x माइनस 6। हमें यहाँ फैक्टर्स बनाने हैं और x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद इज इक्वल टू का साइन और फिर दोबारा से इक्वेशन को कॉपी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर मेथड है सॉल्यूशन लिखना और उसके बाद इज इक्वल टू का साइन लगाना, और इसी तरीके से आपने हर स्टेप को इज इक्वल टू के साइन से मेंशन करना है, स्टार्ट करना है, ताकि चेकर को आपका क्वेश्चन चेक करने में आसानी हो और आपको भी अपना क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व करने में आसानी हो। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमें इस इक्वेशन में फर्स्ट वेरिएबल x², सेकंड x मिल रहा है, जबकि हमें कांस्टेंट 4, माइनस 5 और 6 मिल रहे हैं। हमें चूंकि फैक्टर मालूम करने हैं, फैक्टराइजेशन करनी है, तो हमने फर्स्ट कोफिशिएंट को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 6, यानी कि हमें, और जो हमारी मिडल वैल्यू है वो हमारे पास है 5x जी। अब यहाँ पे 4 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 24 आया, जबकि मिडल वैल्यू 5 है। डियर स्टूडेंट्स, अब हमें 24 का एलसीएम लेना है, और वो इस तरीके से लेना है कि दो ऐसे हमें नंबर्स मिले जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 24 आए, और जिनको ऐड या सबट्रैक्ट करें तो आंसर 5 आए। हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यह 24 का फैक्टराइजेशन करते हैं, एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, जिसके लिए सबसे आसान तरीका है